इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले से जुड़ी है, जिसमें गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। इस मामले में आरोप 3 युवकों पर लगा था, जिसके बाद अभी की खबर ये है कि पीड़िता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिसमें एक आरोपी, जिन 3 लोगों पर आरोप लगा था उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 युवक फरार चल रहे हैं, लेकिन गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस पर और ज्यादा डिटेल्स बदायूं से मेरे सहयोगी अतुल इस वक्त दे रहे हैं। अतुल, लास्ट मुझे पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिसमें ऐसी किसी घटना से इनकार उन्होंने किया था, आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कल परसों की घटना, जिसमें एक स्कूल में जो नाबालिग लड़की थी उससे गैंगरेप 3 लोगों ने किया था, उसमें एक जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 अब भी फरार हैं। और जहाँ तक पहले जो मेडिकल कराया था पीड़िता का, उसमें गैंगरेप की जो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, तो इसीलिए से दूसरा बयान भी जो कप्तान ने यहाँ आया, आज इसने सुबह जब लोगों से देखा तो उन्होंने आज फांसी लटकते उसने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं ये कारण बताया जाता है, शायद आत्मगिलानी की वजह से या बदनामी की वजह से ये कह सकते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। फिर भी ये जांच का विषय, संगीन परिस्थितियां हैं और कप्तान साहब से यहाँ बात हुई है, उनका जो इनके सहयोगी उनका कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी देने के लिए। 20 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद एक की गिरफ्तारी हुई, 2 अब भी फरार चल रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है, ये अभी की खबर है। एक छोटा सा